अगला चैप्टर आज पढ़ेंगे, ठीक, रियल नंबर का अगला चैप्टर आज पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। यानी पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। जैसे आप ल से पहले निकालते थे गुणनखंड से, समझ लीजिए वही मेथड आपको करना है 140 का, ठीक। तो हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं 140, दो से कटेगा 7 बार में 70 आ जाएगा, फिर दो से काटेंगे इसको, दो तिहाई 6, एक बचा ना तो 10 हो गया, तो 2 5 10 हो जाएगा। अब यदि इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटता है, 5 से काटेंगे, 5 7 35, अब ये 7 आ गया, कट गया, ठीक। तो आपका क्या प्राप्त हुआ, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 140 का आपने किया तो क्या आया, 2 आया गुणे 2 आया गुणे 5 आया फिर गुणे 7 आया, हो गया अभाज्य गुणनखंड, यही करना है आपको, ठीक। तो पहले सारे क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब बात आती है मस की, ठीक, कह रहा पूर्णांकों के, दूसरा क्वेश्चन इसी पे बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन भी पहला सारा इसी तरह से लगाना है, किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के मस लस ज्ञात करने, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मस और लस के बराबर होता है, 26 और 91। इसका मस लस भी बताना है, ठीक। तो पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए अलग अलग, ऐसे इकाई का अंक 6 है, 2 से कट जाएगा 13 बार में, अब 13 से कटेगा एक बार हुआ, 91 को काटेंगे, ठीक, 7 से काट देते हैं, 7 1 7 2 बचा, 7 3 21, अब 13 से काट देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 26 का, 2 गुणे 13 आया, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 7 गुणे 13। हमको मसा निकालना है, मसा निकाल दीजिए हमसे। मसा का मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंडों में ऐसा संख्या जो दोनों में है, तो दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है ना, तो मसा इसका कितना हो गया 13 हो गया। अब लसा बताना है, जो कामन है उसको तो लिखिए ही लिखिए, जो बचा है उसको भी लिख दीजिए, ये लसा हो गया, ठीक। अब कह रहा वेरीफाई करिए, जांच करिए, जांच कर दे रहे हैं भाई। जांच के लिए नियम क्या होता है कि मस गुड़े लस बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, ठीक। मस कितना आया 13, लस कितना आया 13 गुड़े 2 गुड़े 7, पहली संख्या कितनी थी 26, दूसरी संख्या कितनी थी 91, ठीक। अब देखिए इस 13 का गुणा 2 में और इस 13 का गुणा 7 में, तो 13 गुणे 7 एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, 13 गुणे 2 एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, तो 26 गुणे 91 ये हो जाएगा, 91 ये हो जाएगा 26, बराबर आ गया ना, इसका मतलब सही है, हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी सब हो जाएगा ना, इसके बाद ट्री मेथड बताते हैं, देख लीजिए ध्यान से फिर से, किसी दिक्कत हो बताइए, सारे लोग आगे बढ़े, ठीक है।